गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं रिकैप दे सकूं, इसलिए मैं आगे ही स्टार्ट करूंगी। और जिसे स्टोरी समझनी है वो इससे पहले वाला एपिसोड प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं इसमें रिकैप देना नहीं चाहती हूँ। हॉस्पिटल में सबके सब रहते हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, अपनी अपनी जान के लिए लड़ रही रहती है। और नैना वहाँ पर खड़े होकर रोए जा रही रहती है, फ्रीज हो चुकी रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। जब अवनी के पापा को वो लेटर मिलता है, जो एक प्रोसीजर होता है, जब कोई पुलिस वाले अपना प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें जब लिखा रहता है कि उनकी बेटी का रेप हो चुका है, वो देख के उसके पापा तो लाइफ हार्ट अटैक आ रहा रहता है, पर वो खुद को संभालते। उनकी माँ पूरी टूट जाती है और वो रोने लगते हैं और वो बार बार पूछते हैं कि पुलिस ऑफिसर से ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तब पुलिस ऑफिसर कहती है कि मैम, मुझे भी नहीं पता है कैसे हुआ है, वो लड़की ने हमें फ़ोन करके बुलाया था, दैट गर्ल एंड दैट टू अनादर गर्ल, उन्हीं को पता है। वहाँ से अवनी की मॉम जाती है नैना के पास और नैना को हिला के बोलती है, नैना कि कैसे हुआ अवनी के साथ, क्या हुआ है अवनी के साथ, कैसे हुआ, क्या हुआ। नैना बहुत सुध-बुध खोई रहती है, बस वो एक नज़र से आंटी को देखती है और एकदम से चिल्लाती है, अवनी अवनी, अवनी को क्या हो गया, अवनी। और वो बहुत एकदम इमोशंस के साथ चिल्ला रही रहती है अवनी। फिर वो उठती है और उठ के भागती है, वो जहाँ ऑपरेशन थिएटर होता है वो वहाँ जाके खड़ी होती है। वहाँ की नर्सें उसे पकड़ती है और बोलती है कि आप अंदर नहीं जा सकते। नैना बहुत ज़ोर से चिल्लाती कि नहीं, मुझे अवनी के पास जाना है, मुझे मेरी अवनी के पास जाना है, मुझे देखना है वो कैसी है, मुझे जाने दो। अनु उनको बोलो ना, मुझे अवनी के पास जाने दो, मुझे अवनी चाहिए, अनु अनु बोलो। अनु बहुत टाइटली हग करती नैना को और बोलती है कि संभाल अपने आप को, तू संभाल अपने आप को, ऐसे मत कर। वो बोलती कि क्या संभालूँ, मुझे मेरी अवनी की तबीयत ख़राब है, मेरी अवनी के साथ जो हुआ है वो। तो यहाँ पे नैना भी बहुत तरीके से टूट चुकी रहती है। अनु अनु बस सुन रही रहती है, अनु बस कंट्रोल करती है। अनु को समझ में नहीं आ रहता है कि वो किस किस को संभाले। तभी उस वक्त उसको कॉल आता है, वो होता है प्रणय का, और प्रणय बोलता है कि नैना तुम्हारे साथ सेफ तो है। तभी अनु बोलती है कि तुम जैसे इंसान को ये पूछने का कोई हक नहीं है। अनु पूरे सबके सामने, पुलिस ऑफिसर सब रहते हैं वहाँ पर, जोर से चिल्लाती है कि तुझ जैसे इंसान की वजह से आज जो हुआ है ना, उसके ज़िम्मेदार तू खुद है, जो तू नामर्द है, जो तू छोड़ के चला गया हर एक सिचुएशन के लिए, और हिम्मत है ना तो सिटी हॉस्पिटल आ जा। प्रणय को एक पल के लिए लगता है कि उसकी बहन के साथ कुछ हो गया है। प्रणय अपनी मॉम डैड के साथ एकदम से सिचुएशन में भागते हुए जाता है। जैसे ही वो जाता है तो वो नैना को बैठे हुए देखता है और वो बोलता है, नैना तू ठीक तो है, नैना नैना तू ठीक है, आई थैंक गॉड तू ठीक है, मुझे तो लगा था तेरे साथ कुछ होगा। नैना उसे खड़े होके सिर्फ देखती है। उतनी देर में जो नैना के मॉम डैड होते हैं, मतलब जो प्रणय के, वो आकर बोलते हैं उनको कि आप सब हॉस्पिटल में हो, सब कुछ ठीक तो है, क्या हुआ है, प्रणय ने भी कुछ बताया नहीं है। तो वहाँ पर जो अवनी के पापा और अवनी की मॉम तो कंटिन्यूसली रोए रह रहते हैं। वो अपने मुँह से ये कैसे बताए कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। एक बहुत दर्द भरा एटमॉस्फेयर रहता है उन दोनों की आँखों में, जिसे वो बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते हैं। तभी वो प्रणय आगे बोलता है कि क्या हुआ है, हॉस्पिटल में क्यों बुलाया तुमने मुझे अनु। तो कहता है, तुम्हारी फियांसे की तबीयत ख़राब है, तुम्हारी फियांसे अपने ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। अनु बहुत सख्त लहजे से कहती है। तभी वो कहता है कि क्या हो गया उसको, वो ठीक तो है। तो वो बोलती है कि तुम जैसे इंसान जो छोड़ कर गया था, फिर वो ठीक कैसे हो सकती है। प्रणय, सबसे पहले तो तुम ही भाग गए ना सिचुएशन को देखकर। तो प्रणय एकदम पीछे होकर बोलता है, देखो उस समय मैं मदद लेने के लिए भागा था, मैं पुलिस के पास जा रहा था, मैं भागा था पुलिस के पास, मदद लेने के लिए भाग रहा था। तो अनु आगे बोलते, तो पुलिस को लेकर आ गए थे तुम।
हाँ, पुलिस को लेकर तो मैं और नैना लेकर आए हैं। तुम क्या लेकर आए? तुम अपने अपने बहन को छोड़कर, अपनी फियांसे को उस कंडीशन में छोड़कर खुद घर की तरफ भागे और अपने मॉम डैड को लेकर आ रहे हो तुम अपने घर से। तो तुम पुलिस को लेने गए थे, और लेने भी गए थे तो तुम्हें इतनी देर लग गई। अनु उस समय बहुत गुस्से में रहती है, क्योंकि जो अवनी के साथ हुआ रहता है वो बोलने के लिए, मतलब जो एक औरत वो दर्द को महसूस कर सकती है, वो दर्द कोई और महसूस नहीं कर सकता। आज भी कहूँगी कि जो दर्द औरत को हुआ है वो एक मर्द चाहकर भी महसूस नहीं कर सकता। सिंपैथी देना बात अलग होती है, पर सिचुएशन समझना और उसे फील करना बहुत अलग बात होती है। वो बोलता है, हुआ क्या है, मुझे कुछ बताएगा? तो अनु एकदम से चिल्ला के बोले, तुम्हारी फियांसे का रेप हुआ है, अब बोलो क्या करोगे तुम? जैसे ये बात वो बोलती है तो प्रणय एकदम से पीछे हो जाता है और एकदम होता है और अपनी मॉम एंड डैड की तरफ देखने लगता है। उसकी मॉम एंड डैड तो एकदम शॉक्ड हुए रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हो गया, और वो बहुत आगे आकर बोलते। तभी वहाँ से वो पुलिस इंस्पेक्टर आती है, यहाँ पर नैना कौन है? तो वो बोलती है कि मैं हूँ। तो आप स्टेटमेंट देना चाहेंगी? मैं आपके के खिलाफ, आपके बोलने पे FIR दर्ज करूँ? तो नैना अपने सुध-बुध में रह के बोलते, हाँ आप FIR लिखिए, आप लिखिए। वो चार लड़के थे, आपको वहाँ पर ना मॉल में CCTV कैमरा में उनकी पिक्स दिखेगी। अनु CCTV कैमरा? तो कहती है, तू टेंशन मत ले, पुलिस ऑफिसर है वो सब कुछ करेंगे। तो कहती है, नैना आप डरो मत, आप बताओ कि आपके साथ हुआ क्या था, आपको सिचुएशन बतानी पड़ेगी। नैना वहाँ बैठ के सारी सिचुएशन बताती है कि क्या हुआ था, कैसे वो ड्रंक थी, उसे उसे अपने भाई की बात हर्ट करी, वो ड्रंक थी, उसने क्यों ड्रंक करी थी, सारे रीज़न बताती है। वो वहाँ तक पहुँची कैसे, अवनी ने उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया, अवनी ने उसे बचाने की क्या करी, और वो सब कुछ बताती है। वहाँ पर खड़े हुए सब लोग ये बातें सुनते हैं जब वो स्टेटमेंट दे रही रहती है। नैना रोने लगती है, तभी अनु आती है उसके साइड पर, उसको हक करके बोलती है, मैम प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करिए, वो भी टूटी हुई है। तो वो कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो जो इंस्पेक्टर रहती है वो भी एक्चुअली फीमेल इंस्पेक्टर कर रही रहती है। तो कहते हैं कि तभी वहाँ से वो डॉक्टर से बात करती है कि अवनी की सिचुएशन कैसी है। जैसे ही डॉक्टर आता है, नैना सब कुछ छोड़ के बोलती, डॉक्टर प्लीज अवनी को बचा लो, अवनी ठीक है ना, अवनी तो ठीक है? तो कहते हाँ वो ठीक है, उनके सिर पे बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत जम के उनको मारा गया है। मुझे बस डर ये है कि अगर वो 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में है, बट बस इतना देखना होगा कि उनको कोमा में ना चले जाए वो, मैं ये बस देखना चाहूँगा। तभी वो बोलता है, फीमेल डॉक्टर वहाँ पे जो फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर रहता है उसे आकर बोलते हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि अगर ये रेप केस है तो हमें रेप प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट आई मीन टू से, ऑल द प्रोसीजर्स, हमें स्पर्म्स ये सब जो अंदर गए हैं वो सब निकाल के रखना पड़ेगा, और वही एक चीज़ है जो आप टेस्ट करके पता कर सकते हो कि किसने उसका रेप किया है। तो कहते हैं कि हाँ आप स्टार्ट करिए। फीमेल डॉक्टर और वहाँ की फीमेल इंस्पेक्टर बहुत अच्छे रहती हैं, वो इस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से समझती हैं और वो सारा जो प्रोसीजर होता है फॉलो कर रही रहती है। बट उस समय अवनी की हालत बहुत क्रिटिकल रहती है, उसके पूरी बॉडी पे मार्क्स रहते हैं, उसकी बॉडी को जैसे एक राक्षसों ने नोचा हुआ रहता ना, उस तरीके से उसकी बॉडी पे मार्क्स आए रहते, उसके फेस के वहाँ पर लगी रहती, उसके सर पे लगा रहता है, उसकी बॉडी पूरी वैसी हो चुकी रहती है। नैना सिर्फ और सिर्फ दूर से अपनी को देख रही रहती है, और नैना को ना मतलब पूरी ऐसी हालत ख़राब हो जाती है। जो अनु रहती है वो नैना को हक करके रहती है, जो प्रणय होता है वो
नैना के पास आकर बोलता है, देख यार तू ठीक तो है? तभी नैना एकदम से गुस्से में धक्का देती है प्रणय को और चिल्लाकर बोलती है, तू तू इंसान खिलाने के लायक है? अरे तेरी जैसे तेरे तेरी पूजा करती थी मैं, तुझे तेरा भाई मानती थी मैं, तुझे हर टाइम ऑल टाइम तुझे पूछती थी, अपनी खुशियों से पहले मैंने तुझे तेरे बारे में सोचा, और तूने मुझे बदले में क्या दिया? क्या दिया तूने मुझे बदले में? छोड़ के भाग गया। तभी नैना की मॉम कहती, ये कैसी बदतमीजी कर रही हो तुम अपने बड़े भाई के साथ? कैसे बात कर रही हो तुम? जो उसमें हुआ होगा उसमें अवनी की गलती होगी। आई मीन ऐसे चार लड़के अवनी का रेप कैसे कर सकते? हो सकता है अवनी ने खुद ने उसे प्रवोक किया होगा। तभी वहाँ से अवनी की मॉम खड़े होकर बोलती, ये कैसी बात कर रहे हो? मेरी बेटी आपको उस तरीके की दिखती है क्या जो इस तरीके का पोक कर रही थी? कहती, बहन जी आप बोलने लायक आप कुछ बचे नहीं हो, आपकी बेटी का रेप हुआ है। आप जानते हो ना रेप क्या होता है? हाँ, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना, अट्रैक्टिव बाल खुले रखना, आराम से स्टाइल से चढ़ना, यही एक चीज़ होती है जो मर्दों को करती है। अरे वो चार आदमियों के बीच में शाम को कर क्या रही थी? ये सब जरूर अवनी ने प्रवोक किया होगा, तभी आज उसके साथ ऐसा हुआ है। वहाँ से उसके पापा खड़े होते हैं और वो अवनी के पापा मिलिट्री ऑफिसर रहते हैं, तो वो काफ़ी सख्त लहजे से कहते हैं, एक शब्द और आपने एक शब्द और बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप एक औरत हो। मैं आपको यहीं के यहीं ज़मीन पर गड़ा दूंगा अगर मेरी बेटी के खिलाफ आपने एक शब्द भी कहा तो। शायद आप ये भूल गई हैं कि आपकी खुद की बेटी ने स्टेटमेंट ये दिया है कि वो चार लड़कों के पास खुद गई थी और मेरी बेटी ने उसे प्रोटेक्ट किया। आज के बाद मेरी बेटी के सामने नजर उठाकर भी आपने कुछ बोला ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तभी वहां पर जो नैना के पापा रहते वो खोलते, भाई साहब आप अपनी हद पार कर रहे और आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मानता हूँ आपकी बेटी के साथ जो हुआ वो सही नहीं है, लेकिन आपको ये बात करने का तरीका भी सही नहीं है। तभी वो बोलते, अच्छा अब आप मुझे बात करना सिखाएंगे? पहले अपनी खुद की बीवी को बात करना सिखाइए, जो वो कह रही है वो सही है। तो कहते, हो सकता है सही हो पर ये चीज़ गलत है। तभी वो आगे खड़े होके बोलते हैं, प्रणय तुम बताओ क्या सही और क्या गलत था? तुम्हारी तो फियांसे है ना, तुम्हें तो अपनी बीबी की रक्षा करनी चाहिए थी। तो क्या किया? तो प्रणय डर के बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, अब मैंने तो अवनी को बोला था कि चलो यहाँ से। वो खुद ही रुकी रही, उसको खुद ही जोश चढ़ रहा था वो चार लड़कों से अकेले लड़ने के लिए। मैंने उसे बोला था कि मैं पुलिस को बुला के लाता हूँ, तू चल मेरे साथ, लेकिन वो सुनी नहीं। मेरी गलती नहीं है अंकल, मैंने कुछ नहीं किया है। वो खुद ही ज़्यादा हीरोइन बन रही थी, उसको ज़्यादा हीरोइन बनने की आ रही थी। ये सुनकर नैना जो अभी तक शांत बैठी थी, जो रो रही थी, एक अलग से ही पेन में थी, तो खड़ी होती है और आगे बढ़ती है और अपने भाई को जम के थप्पड़ मारती है, इतनी जम के कि उसके भाई जो गिरता है वो ऐसे गिरता है कि वहाँ पर एक लोहे की चेयर रहती है जहाँ पर बैठने के लिए रहता है, उस पर उसका सर टकराता है और उसको जम के लगती है। फिर वो और खड़ा करती है और दूसरे साइड से एक और थप्पड़ मारती है। वो अपने भाई को दो से तीन थप्पड़ मारती है, तभी उसकी माँ बोलती है, क्या कर रही हो तुम? तभी वो कहती है कि जो काम आपको बहुत पहले करना चाहिए था, एक नामर्द पैदा जो आपने किया है उस पे, वो काम मैं कर रही हूँ। आपने अपने बेटे को बड़ा तो कर दिया पर औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया। आपने अपने बेटे को बड़ा कर दिया लेकिन संस्कार देना भूल गई। आपने अपने बेटे को बड़ा तो कर दिया लेकिन उसे ये नहीं बताया कि करेज क्या होता है, हिम्मत क्या होती है। आपने अपने बेटे को ये बता दिया कि ये लड़की तेरी बहन है पर उसकी रक्षा कैसे करते ये नहीं बताया। और उस वक्त आप ये जो सुना रहे हो ना, ये सब चीज़ पे ध्यान रखो, आज अवनी की जगह मैं होती और चार लोगों ने नोच के मुझे खाया होता, ना कि अवनी ने। आज
अवनी ने अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया है, वो इंसान जो अपने भाई की तरफ उम्मीद से देख रही थी कि मेरा भाई मुझे बचाएगा। अवनी ने 4 बार चिल्लाया, प्रणय तुम्हारी बहन है, तुम कुछ करो कुछ करो। वो इंसान सबसे पहले तेजी से भागा था, ये नामर्द है आपका बेटा जिसे आपने पैदा किया, ये इंसान। और शर्म आती है मुझे माँ ये कहते हुए कि मैं इतने गंदे खानदान में पैदा हुई हूँ, जिनकी सोच ही इतनी गंदी है, जिसका खुद का भाई अपनी बहन को छोड़ कर चला गया नोचने के लिए। आज वो अवनी नहीं होती ना तो आज आप इस सिचुएशन में होती और अवनी मेरी जगह बैठी होती। और ये जो इंसान जिसके अंदर एक इंसानियत भी नहीं है, अफसोस भी नहीं कर रहा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए बोल रहा है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अरे क्या बचाएगा, तेरे बचाने से भी क्या होगा, जो होना था वो हो तो गया है। अब तू खुद को प्रोटेक्ट कितना भी कर ले, सिचुएशन थोड़ी ना बदल जाएगी, जो होना था वो हो गया। और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये आपका बेटा आज अवनी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, पति होने का धर्म निभा रहा था। हाँ, और क्या बोल रहा था, मेरी होने वाली वाइफ है फियांसे, अब तुम्हारी वाइफ अंदर बैठी है, अब क्या करोगे तुम। तो प्रणय उठता बोलता है, मम्मा मम्मा चलो यहाँ से, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, मम्मा चलो चलो यहाँ से। जो नैना बोलती, जाओ जाओ अपने निकम्मे बेटे को लेकर जाओ, आप कुछ कर भी नहीं सकती हो सिवाय एक निकम्मा पैदा करने के लिए, लेकर जाओ इसको। अगर ये मेरे सामने रहा ना तो आज मैं इसका खून करके जेल में जाना प्रेफर करूँगी, ले जाओ इस इंसान को मेरे सामने से। और आइंदा के बाद कभी मुझे बहन बोलने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि तुझ जैसा तुच्छा इंसान मुझे चाहिए भी नहीं। निकल यहाँ से आज के बाद, इस गली में दिखा भी ना, मेरे तरफ भी आया ना, मार दूंगी तुझे और खुद जेल जाऊंगी तेरे खून के इल्जाम में, निकल। फिर यहाँ से जो प्रणय होता है वो भागते हुए बस निकल जाता है। प्रणय उस समय ऐसी हालत में रहता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना रहता है, मतलब वो एक अलग ही इंसान है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ नैना नैना जाती है अवनी के मॉम के पास और अवनी की मॉम को हक करके बोलते है कि आंटी, और झुकती है, अपने घुटनों पे बैठती है और माफ़ी मांगती है अवनी के पापा और अवनी की मॉम से कि आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ है, मेरी नादानी की वजह से हुआ है। आज अगर मैंने ये सब हरकतें नहीं की होती ना, आज अवनी के साथ जो नहीं होता। अवनी मुझे बहुत बहुत प्रोटेक्ट कर रही थी, अवनी मुझे इतना ज़्यादा ध्यान दे रही थी, अवनी ने मुझे समझाया था, अवनी मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी आंटी, अवनी मुझे बार बार बोल रही थी कि ये चीज़ गलत है, मत करो मत जाओ, पर मैंने नहीं सुनी, एक एक शब्द भी नहीं सुनी उसकी। मैं इतनी गुस्से में थी, अपने गुरूर में थी, अपनी अपनी मती मारी गई थी मेरी, कि मैंने 1% भी ये नहीं सोचा कि इसमें अवनी का क्या है, अवनी ने तो अपनी जान दांव पे लगा दी। मेरी मेरी एक छोटी सी नादान हरकत, एक छोटी सी बेवकूफ़ी ने आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पर आंटी आप टेंशन मत लो, जिन्होंने उसके साथ जो किया हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। अवनी के पापा खड़े होके नैना को बोलते, बेटा समझ सकता हो तुम जो फील कर रही हो, पर जो हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता। अवनी के पापा खुद को सही करते हैं और ठीक करके बोलते हैं कि आज उन्हें तो इसके लिए लड़ना होगा, और वो जाके डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर कहता है कि 24 घंटे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और वो फिर वो जाते हैं वहाँ पर, जो उसके डैड रहते हैं उनका नाम
काफ़ी वो मिलिट्री ऑफिसर रहते हैं तो उनका थोड़ा सा दबदबा भी रहता है, तो वहाँ के कमिश्नर को फ़ोन करते हैं अवनी के डैड। अवनी के डैड जैसे कमिश्नर को फ़ोन करते हैं, उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं और बोलते हैं ऐसा है तू तो मेरा दोस्त है थोड़ी मदद कर। तो वो कहता है कि हाँ मैं तेरी मदद करूँगा। और वो सीसीटीवी कैमरास जब निकालते हैं तो वहाँ पर उनको चार जो इंसान दिखते हैं वो और कोई नहीं, वो वहाँ के एमएलए के दो, एमएलए का एक बेटा रहता है और उसके चार दोस्त रहते हैं, तीन दोस्त रहते हैं, टोटल चार लोग रहते हैं। अब वो वहाँ का लोकल एमएलए रहता है जिसकी इतनी पावर रहती है, तो कमिश्नर बोलता है तुम इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा तुम्हें। बहुत मुश्किल है यार, तुम जिसके खिलाफ लड़ने वाले हो वो बहुत मुश्किल है। और ये जब वो सुनते हैं उसके पापा तो वो और टूट जाते हैं, क्योंकि क्या वो इतने कैपेबल नहीं है कि अपनी बेटी को जस्टिस दिला सके। सिचुएशन, हालात इतने ख़राब होंगे ये किसी ने नहीं सोचा था, और जिस तरीके से हालात सिचुएशन ख़राब चल रहे थे वो बहुत ही ख़राब थे। नैना बहुत शांति से बैठी रहती है आंटी को समझाते हुए, और साथ ही साथ अनु भी एक पल के लिए भी दूर नहीं होती है, सब के सब वहाँ पर शांत रहते हैं। थोड़ी टाइम तक ऐसी वो रात भी बीत जाती है। जब सुबह होती है तब नैना फटाफट जाती है डॉक्टर को, बोलती कि क्या इम्प्रूवमेंट है। तब तक कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आए रहते हैं। और इस ड्यूरेशन में जो अवनी के पापा रहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करना या फिर जितना जो सख्त से सख्त चीज़ें होती हैं वो लेने पे बिलीव करते हैं, तो वो वहाँ पर अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए वहाँ थे और यहाँ पे सब लड़ रहे थे। करीब जब सुबह मॉर्निंग में जब डॉक्टर कहता कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसके ही उसी दिन तक सब शांत बैठे रहते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पे लगी रहती है, वो लड़कों को ढूंढ रही रहती है, तो पता चलता है कि वो लड़के वहाँ से फरार हो चुके हैं। मतलब अब वो दिल्ली सिटी में है ही नहीं है, वो यहाँ से कहाँ अंडरग्राउंड हुए हैं ये पता नहीं चलता। पुलिस कोई कदर कम कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती कि वो करने से पीछे हटती है, क्योंकि उसके डैड जो रहते हैं वो मिलिट्री ऑफिसर रहते हैं और कमिश्नर उनका दोस्त रहता है, तो अवनी के डैड जितना हो सके फास्ट फास्ट कराते हैं, वो स्पेशल फोर्स लगाते हैं, हर एक चीज़ कर रहे रहते हैं। बट वो लड़के तो काफ़ी फरार हो चुके रहते, लेकिन उनके पे FIR दर्ज हो चुकी रहती थी। लेकिन वो FIR पे सही तरीके से कार्रवाई तब होगी जब अवनी का स्टेटमेंट आएगा, और अवनी का स्टेटमेंट तब आएगा जब अवनी होश में आएगी। अब ये 2 से 3 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं, नैना भी अपने घर जाती ही नहीं है। नैना वहाँ पर 2 दिन तक ऐसी फ्रीज रहती है कि वो वहाँ से हिलेगी नहीं, ना वो कुछ खाती है ना कुछ पीती है। अनु अपने घर से उसके लिए चाय कॉफ़ी सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह सब लाती है, बट वो नहीं जाती है, वो हिलती नहीं है। 2 दिन के बाद नैना के मॉम एंड डैड आते हैं हॉस्पिटल में, और नैना बोलते हैं कि तुम चल रही हो कि नहीं घर पर, तुम्हें घर आना है कि नहीं। तभी वो कहते हैं कि मैंने कहा ना आपको, जब तब अवनी से मैं मिल ना लूँ और अवनी को होश ना आए मैं यहाँ से जाऊँगी तक नहीं। आपको जो सोचना है सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अवनी से बात करें। तो कहती क्या तुम अवनी अवनी लगाए रखी हो, अब इस घर से इस जगह से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहाँ पर जो अवनी की मॉम रहती है, अवनी के पापा होते, बोलते बहन जी क्या बात कर रहे हो आप। तो कहते क्या बात कर रही हूँ, आपकी बेटी का रेप हुआ है, रेप, और वो भी एक जन ने नहीं 4 लोगों ने किया है। हम अपने बेटे का शादी नहीं करा सकते, और प्रणय खुद ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसको यूज किसी ने करके छोड़ दिया। ये बात जैसी आंटी के मुंह से निकलती है, अवनी की मॉम आगे जाके आंटी के चेहरे पे इतना जोर के थप्पड़ मारती हैं कि आंटी जो नैना की मॉम रहती हैं वो चक्कर खाकर गिरने लगती हैं, और वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि नैना अपना माँ का को उठाती है और कहती है मैंने सोचा था
कि गिरी हुई सोच वाला आपका बेटा है, बट गिरी हुई सोच वाली तो आप खुद हो। एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझने के बजाय क्या बकवास कर रही हो माँ, आपको आज माँ बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे। और प्रणय क्या शादी करेगा अवनी से? अपनी खुद शादी नहीं करेगी ऐसे नामर्द से जो उसकी रक्षा नहीं कर सका, जो उसकी बहन को नहीं बचा पाया। तो कहते कि उसकी शादी किसी से भी नहीं होने वाली, कोई ये इंसान शादी नहीं करेगा जिसको पता चलेगा कि भाई उस लड़की का रेप हो चुका है। नैनावा खड़े होती है, अपनी माँ को बोलती है, आप निकल रही हो कि नहीं, वरना मुझे धक्के मार के आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अवनी की मॉम ये सुनकर टूट सी जाती है और वो इतना रोने लगती है बेंच में बैठ के। नैना बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहती है और वो अपनी मॉम डैड को वहाँ से भगा देती है। फिर वो आंटी के पास आती है और उसे बोलती है, आंटी प्लीज़ शांत रहिए। तो कहती है, बेटा तुम्हारी मॉम ने सही तो कहा है, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? कौन एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा जिसके साथ ये सब हुआ? नैना बोलती है, आंटी मुझे आपके सवालों के जवाब देना अभी ज़रूरी नहीं लगते हैं। आपको अपनी बेटी की शादी की पड़ी है और मुझे सिर्फ अवनी ठीक हो जाए उसकी पड़ी है। मैं अवनी को नहीं छोड़ सकती। अवनी जहाँ है जो है मैं उसका साथ निभाऊंगी ज़िंदगी भर। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे अगर ना मर्द लड़के मिले और वो ना मर्द लड़के अगर उसे हर मुसीबत में छोड़ के चले जाए, उससे तो अच्छा एक ना ऐसी औरत उसके साथ खड़ी हो जो उसे कभी ना छोड़े, वो पुराता है। फिलहाल मैं अभी आपको कुछ नहीं समझा सकती, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो ठीक है कि नहीं। वहाँ से डॉक्टर आता है और डॉक्टर आते से ही बोलता है कि अवनी को होश आ गया है, पर इसमें से वो नैना नैना चिल्ला रही हैं, आप में से कौन है नैना, प्लीज़ एक बार उधर जाइए। तो नैना बोलती है, मैं हूँ। तो कहते आप ही अकेले जाइए क्योंकि अभी एक साथ इतने सारे पेशेंट्स ना जाओ। जैसी नैना अंदर जाती है रूम के अंदर, वहाँ पर अवनी अपनी मतलब उसकी आंखें सूजी रहती है, उसका सब कुछ ऐसा सूजा रहता है, फेस उसका बहुत हैवीली सूजा रहता है। और वो धीरे से आंखें खोल के नैना की तरफ देखती है, वो अपना हाथ थोड़ा सा आगे करती है और चिल्लाती है, नैना नैना। एकदम से वहाँ से भागते हुए आती है और अवनी का हाथ पकड़ती है और उसे हक करते हुए बोलती है, हाँ हाँ अवनी बोलो। कहते तुम ठीक हो? वो धीरे से बोलती है। अवनी का ये बात सुन के नैना की आंखों में से इतने आंसू आ रहे थे कि वो रोई जा रही थी, इतना रो रही थी कि वो रोते रोते अवनी को बस उसके हाथों पे उसके आंसू गिर रहे थे। और वो धीरे से बोलती, मैं ठीक हूँ, तुम तो वो कुछ नहीं बोलती है कि वो ठीक है या क्या है, क्योंकि उसको कुछ नहीं दिखता है, उसे सिर्फ ये पता रहता है। फिर जैसी अवनी को थोड़ा सा खुद के बारे में याद आता है, वो डर जाती है, बहुत जम के डरने लगती है और चिल्लाती है, बचाओ, प्लीज़ मेरे करीब बताओ, प्लीज़ मेरे करीब बताओ। तभी नैना वहाँ से चिल्लाती, डॉक्टर डॉक्टर लुक लुक अवनी को क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर अवनी को वो नींद के इंजेक्शन देते हुए कहते हैं कि हादसा कुछ ज़्यादा भयानक था, अवनी के दिमाग पर असर हुआ है, इसलिए अवनी ऐसे शाउट कर रही है। ये सिचुएशन अवनी के लिए बहुत क्रिटिकल है, उसे संभालना बहुत कठिन होगा। जब डॉक्टर ये बात अवनी के मॉम एंड डैड और सबको बोलता है तो नैना वहाँ बोलती है, जितना भी डिफ़िकल्ट हो मैं संभालूँगी। तो कहते हैं, हाँ आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो, आप कोशिश करिएगा। ये डॉक्टर भी कहता है क्योंकि वो लड़की का जज्बा और जुनून तो इतना रहता है कि वो अपने कोमा की स्टेज से भी निकल जाती है, मतलब वो कोमा में नहीं पहुंच पाती है क्योंकि अगर उसकी विल पावर नहीं होती। अक्सर
ऐसी सिचुएशन में विल पावर अगर वीक हो तो लोग दम तोड़ देते हैं, पर अपनी दम नहीं तोड़ती है। तभी उसके पापा कहते हैं, एक फौजी की बेटी है वो, लड़ना सीखा है उसने, आखिरी दम तक लड़ेगी वो, कुछ कुछ भी नहीं होगा उसे, आप टेंशन मत लो, वो अपनी वाइफ को कह रहे रहते हैं। नैना वहाँ पर रहती है, नैना फ़ोन करती है अनु को और बताती है कि अवनी को होश आ गया है, और चीज़ें अब देखते हैं कितना डिफ़िकल्ट होता है इस पे। मैं ये स्टोरी एंड करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर ये सोचते हैं कि रेप हुआ है तो उसमें औरत की ही गलती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कभी कभार कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी ही बीबी बोलूं या अपनी वाइफ को बीबी बोलूं या अपनी बहन बोलूं या अपनी दोस्त बोलूं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के बजाय खुद उस सिचुएशन से अपनी जान बचाकर भागते हैं, और उसका खामियाजा ये सब एक औरत को भुगतना पड़ता है। आज इस पूरी स्टोरी में या अपनी सोसाइटी की एक डार्क साइड पर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि जितना एक मर्द औरत का दुश्मन नहीं होता है, उतना ही एक औरत दुश्मन होती है एक औरत की। आज नैना की मॉम ने वो सारी बातें कह दी जो एक औरत कभी सुनना भी नहीं चाहती एक औरत के मुंह से, पर यहाँ पर अक्सर औरत ही औरत की दुश्मन निकलती है। समाज में चीज़ें फालतू का डालने वाली भी एक औरत होती है। शायद ये कुछ कड़वे वर्ड्स हैं, आप लोगों को बुरा लगेगा, नहीं औरत समझती है वगैरह वगैरह, बट मैंने तो नहीं देखा है, शायद मैं गलत हो भी सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ। आपकी क्या टिप्पणी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं। बट इस स्टोरी में ब्रोकन एंजल यही थी कि एक प्यारी सी एक लड़की जो एक ऐसी शिकार हो जाती है जो अब पूरे तरीके से टूट गई है, इसलिए स्टोरी का नाम है ब्रोकन एंजल। आई होप आप समझ गए होंगे।